बाकी अभी कंडीशन देख सकते हो, ORVM ऑटो फोल्ड का ऑप्शन नहीं आता, इसमें एडजस्टिंग होता है, फोल्ड नहीं होता। अब हम इसे फोल्डिंग कर देंगे। हाँ, ये देख सकते हो जो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, फिर जस्टिस होगा। आप क्वालिटी देख सकते हैं सीट कवर्स की, तो ये बिल्कुल टॉप मोस्ट क्वालिटी है, लग्जरी वाली। बाकी ये पूरा सॉफ्ट टच है। बाकी से जो अपनी स्कैनिंग में बम्पर पट्टा भी ऐड ऑन करा हुआ है, ये रही अपनी वेलकम लाइट, ये भी अंदर वाला हुआ, वो ये सिल्वर हुआ, ये भी करा हुआ हमने पियानो। देखो जी, ये देखो जी, यहाँ से तो ये पूरी ऑफ है यहाँ से, और सामने आप देखो तो जल रहा है, सामने भी आपको जलता हुआ, और ये बंद कैसे हो गए देखो, जैसे कि दिन में डे टाइम में आपका ये ऐसे हो जाएगा, लाइट यहाँ पे आ गया, अगर विंडस्क्रीन में लाइट पड़ती है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम दोबारा आए थे जय ऑटो, लेकिन आज पार्किंग में हैं हम चामुंडा भैया के साथ। तो भैया आज क्या दिखाने वाले हो आप? आज 4x700 आ रखा हमारे पास। ओके, इसका तो दिखा रहे हैं, इसमें अभी हमारे स्टेयरिंग का बटन है, रिफ्लेक्टर है, और साइड का ORVM है। ओके, तीन काम होने के लिए आया। ओके, बाकी मेरा मेन फोकस जो रहेगा सिल्वर कलर की गाड़ी है जो सामने खड़े आप कोने में। ओके, वहाँ उस साइड खड़ी है, साइड में भी दिखाऊंगा उसका इंटीरियर का जो भी काम होने वाला है। ओके, और बाकी जो भी गाड़ी है क्या क्या हो रहा है सब। ओके यार, टोटल अपने पास AX5 कितनी आई है? तो जो पहले आता था कंपनी से वो वाला पड़ा भी अभी? वो मैट ब्लैक आता है, सिंगल मैट ब्लैक आता था इसके साथ, जो स्टॉक आता था कंपनी से, तो इसकी रिप्लेसमेंट करके पियानो ब्लैक लगा दिया। Okay. और ORVM मेरे डब्बे में रखा हुआ है, तो जेन्युइन महिंद्रा है अपना। ORVM भी उसका सुन भी, बाकी अभी कंडीशन देख सकते हो, ORVM ऑटो फोल्ड का ऑप्शन नहीं आता, एडजस्टेबल आता है इसके साथ, ये स्विच, ये अपना स्विच है, बाकी ये अपना ओल्ड, इसमें एडजस्टिंग होता है, फोल्ड नहीं होता। अब हम इसे फोल्डिंग कर देंगे। हाँ, ओके, तो बाकी इसमें छोटा मोटा ही काम था, पर एक काम था और एक इसमें रिफ्लेक्टर लाइट लगी हुई थी। तो इसमें क्या होने वाला भैया? इंटीरियर पे मेन फोकस है, इंटीरियर है मेन फोकस, एक सेवन लग्जरी वाला जो होता है बिल्कुल सेम इंटीरियर, सेम इंटीरियर वैसे ही हो रहा है, कुछ ये नहीं कि अलग सा। ओके, बाकी कंडीशन दिखा देते हैं, तो डैम्पिंग वगैरह कुछ हो रही है? डैम्पिंग नहीं हो रहा। ओके, डैम्पिंग नहीं हो रही। बाकी इसके स्टेयरिंग जो है, जो माउंटेड कंट्रोल है, पियानो ब्लैक कर दिया, सीट कवर अपने लग गए। आज डे टाइम है तो काफी जस्टिस होगा, आप क्वालिटी देख सकते हैं सीट कवर्स की, तो ये बिल्कुल टॉप मोस्ट क्वालिटी है, लग्जरी वाली। ओके, तो बाकी पैनल्स वगैरह देख सकते हैं, इसमें सारे हाइड्रो डिपिंग के लिए गए हैं, और इसमें जो सेंटर स्पीकर है भैया वो भी लगना है, सॉफ्ट टच हो चुका है देखो। ओके, बाकी ये पूरा सॉफ्ट टच है, बाकी सेंटर स्पीकर भी लगेगा अभी इसके अंदर, और इसमें ऑटो फोल्ड वगैरह कुछ लग रहा है, ऑटो फोल्ड भी है, बाकी अभी लगा नहीं है ऑटो फोल्ड, नॉर्मल मिरर्स है अभी, अभी नॉर्मल, अभी नॉर्मल मिरर्स है। तो हम आ चुके हैं फाइनल, जो अपनी कंटेंट वाली कार है, जो मेन फोकस है आज जिसमें, हाँ, उसमें दिखाने वाले हैं आज हम। तो भैया ये पहले तो AX5 है अपनी, AX5 है, तो ये रिफ्लेक्टर लाइट भी लग रही है इसके अंदर, तो भैया इसमें भी क्वालिटी दो होंगी। हाँ, ये विदाउट मैट्रिक्स है, ये विदाउट मैट्रिक्स वाली लग रही है, नॉर्मल है, कॉस्ट में डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल। ओके, तो किसकी ऑप्शन जो है वो लगवा सकता है, बाकी सेंटर स्पीकर वगैरह? सेंटर स्पीकर भी बात चल रहा है, बात चल रही है, बाकी स्टॉक में अपने बिल्कुल जितनी मर्जी गाड़ी आ जाए। ओके, बाकी ये हमने दिखा दी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, तो अपने ही थर्ड वाली ये रहने वाली है, इसमें क्या काम होना? ये उत्तराखंड की गाड़ी है देख सकते हैं, ये UK07 देख सकते हैं, उत्तराखंड से आई अपनी गाड़ी, सीट कवर और थोड़ी बहुत रैपिंग के काम अंदर इंटीरियर में। ओके, थोड़ा बहुत है, बाकी ये भी है, इसकी भी सीट कवर अपना वही लग्जरी वाला। हाँ, ओके, लग्जरी वाला ही लगना है इसमें। तीसरा गाड़ी है, चौथी गाड़ी जो मैं दिखाता हूँ, बाहर से सारा क्रोम काम है। ओके, एक लास्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद इनका पूरा काम होने के बाद दिखाएंगे। तो ये अपनी दिल्ली नंबर है, इसमें क्या काम होना है भैया? इसे बाहर से सारा क्रोम का काम है। ओके, और ORVM मिरर लग गया, इसके अंदर स्विच है, स्टीयरिंग वाले लग गया, वेलकम लाइट है, रिफ्लेक्टर्स है। ओके, जो भी है मैं इसमें लगने के बाद सारा चीज दिखाऊंगा, जैसे कि देखो काम चालू है अभी, बिफोर लुक देख सकते हैं, अभी इसमें काम हो रहा है ऑलमोस्ट। तो भैया इसमें जो डोर वाइजर वगैरह ये आफ्टर मार्केट ही लगे हुए मार्केट है, डोर गाने सब आफ्टर मार्केट है। ओके, ये जो भी आपको आफ्टर मार्केट दिखेगा कुछ सामान, ये सामान हमने नहीं लगाया। ओके, ये सामान इन्होंने पहले किसी शॉप पे लगा चुके थे। ओके, उसके बाद मेरे पास आया, तो बाकी जो भी इसमें जेन्युइन पार्ट दिखेगा वो मेरे यहाँ का। ओके, बाकी जो भी जेन्युइन लगेगा वो यहाँ से लगेगा, जय ऑटो से। इसमें देख सकते हो आप, रिफ्लेक्टर लग चुका, रिफ्लेक्टर भी लगाया, अभी कनेक्शन होना है इसका, कनेक्शन करेंगे बाकी, और कैमरा की फिटिंग चालू है।
तो कैमरा एक्टिवेटेड है अभी इसमें? एक्टिवेटेड कंपनी से इनेबल करवाना होगा। अच्छा, इनेबल करवाना होगा। हाँ। तो अभी इसमें इनेबल करवा के आए कस्टमर? ये नहीं है, दूसरी अच्छा। वाली गाड़ी में इनेबल हो गया है। ओके, उसमें कैमरा का परफॉर्मेंस भी दिखा देंगे कैसा है। तो फाइनली अपनी यूके नंबर वाली कार कंप्लीट हो चुकी है, X5 वेरिएंट है अपना जो। तो भैया इसमें दिखा देते, इसमें बेसिकली लेदर राइट काम हुआ था सारा। हमने ये दोनों लगाया, जेन्युइन महिंद्रा बिल्कुल। ओके, साइड मिरर लगाया, साइड मिरर भी चेंज करा, ऑटो फोल्डिंग कर दिया, ये देख सकते हैं फोल्ड हो गया, ये अनफोल्ड हो गया, की से भी ऑपरेटेबल है ये अपना। रेयर में हमने कुछ करा, रिफ्लेक्टर, रेयर में हमने रिफ्लेक्टर जो अपनी स्कैनिंग वाली अभी है। हाँ। ओके, स्कैनिंग वाली इंस्टॉल करी हुई है इसके अंदर। बम्पर पट्टा, बाकी ये अपना बम्पर पट्टा भी ऐड ऑन करा हुआ है, ये भी अवेलेबल है अब XUV 700 के लिए। हाँ। अभी एक बार सीट कवर दिखाते हैं इसके अंदर से। इसके अंदर हमने लेदराइट वर्क भी करा हुआ है। हाँ, लेदराइट वर्क, उसके बाद हाइड्रो डिप भी करा हुआ है अपना। और इसमें मेन सीट कवर है जो अपने लग्जरी वाले हैं XUV 700 के लिए, मोस्टली आजकल हम यही वाले सीट कवर लगा रहे हैं। बिल्कुल, यही सीट कवर इंस्टॉल कर रहे हैं आजकल। बाकी इसमें जो वेलकम लाइट है वो भी ऐड ऑन करी है। वो भी ऐड ऑन है, ये रही अपनी वेलकम लाइट, ये थोड़ी सी अभी गंदी हो गई है। डैशबोर्ड पर रैपिंग देख सकते हैं, डैशबोर्ड में रैप देख सकते हैं ये रहा, बाकी स्टिचिंग की क्वालिटी देख सकते हैं। बाकी आर्मरेस्ट में भी करा हुआ है, आर्मरेस्ट में भी हुआ है, स्टीयरिंग में कवर हुआ है, और स्टीयरिंग भी हमने स्टिच करा हुआ है, स्टीयरिंग स्टिच भी देख सकते हैं। बाकी इसमें माउंटेड कंट्रोल नहीं लगे? नहीं लगे। इसमें बेसिकली लेदर राइट वर्क था। ओके, तो लेदर राइट वर्क था इसके अंदर बेसिकली। बाकी जो भी मेन फोकस वाली गाड़ी है दूसरी गाड़ी में दिखा देते हैं। ओके, बाकी मेन फोकस वाली अपनी दूसरी कार है उसको दिखाते हैं। ये तो हमने दिखा दिया आपको लेदर राइट वर्क के साथ। सो फाइनली अपनी XUV का जो मेन कंटेंट वाली आज कार थी वो कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल। तो भैया स्टार्टिंग से फ्रंट से बात करें तो क्या चेंजेस करें? कुछ नहीं, फ्रंट से कुछ भी नहीं है। ओके, LED वगैरह से कुछ अपग्रेड है? AX5 में आता है। ओके, AX5 में तो आता नहीं है। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करें, मड फ्लैप लगा रखे हैं इसके अंदर हमने, तो ये आफ्टर मार्केट में। हाँ। ओके, और बाकी इसमें हमने ORVM लगा रखा है विद ऑटो फोल्ड, की से ऑपरेट होता है, ये ओपन हो गया। लोअर गार्निश, ये हमने लोअर गार्निश भी इसमें ऐड करी है विद डोर वाइजर भी, जो कि सैटन सिल्वर में आता है। हाँ। अपना जेन्युइन पीछे बैक साइड में दिखाता हूँ एक बार, रिफ्लेक्टर दिखाते हैं। इसमें भी हमने रिफ्लेक्टर लगा रखे हैं मैट्रिक्स वाले अपने। तो इसमें भी क्वालिटी अवेलेबल है, बाकी इंडिकेटर के साथ भी वर्क करता है ये अपना, अगर इंडिकेटर जलाए तो इंडिकेटर के साथ। बाकी इसमें यही डिज़ाइन है या और भी है कुछ? मैट्रिक्स में ही डिज़ाइन है, नॉन मैट्रिक्स में और है। ओके, नॉन मैट्रिक्स में और मिल जाएगा डिज़ाइन। बाकी रेयर प्रोफाइल में और फ्रंट से बस इतना ही हुआ है, साइड प्रोफाइल में मेन हुआ, अंदर से वेलकम लाइट इंस्टॉल करी है इसके अंदर XUV 700 की, मोस्टली आज दो तीन गाड़ी में लगाया है ये। हाँ, एटमॉस्फेयर लाइट लगा अंदर नीचे, ये अपना इसके अंदर वो नहीं लगी अपनी एम्बिएंट लाइट? नहीं, एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल नहीं करी नीचे। हाँ। एटमॉस्फेयर लाइट लगे, बाकी इसमें ऑटो फोल्ड का अपना स्विच भी है, पियानो ब्लॉक ऑटो फोल्ड सीट है, स्विच एरिया सब चीज़ें से ये देख सकते हो जो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। पियानो ब्लॉक ये वाला पार्ट हुआ, अंदर वाला पार्ट हुआ पियानो ब्लैक, ये भी अंदर वाला हुआ, और ये सिल्वर हुआ जो कि टॉप मॉडल में सिल्वर आता था, और ये भी पियानो ब्लैक हुआ, और ये भी अपना ट्विटर सैश। एक बार आप उधर से आगे बैठ दिखाओ, अंदर से पूरी टॉप मॉडल वाली। बाकी डोर पैनल में कुछ रैपिंग करी है भैया? हाँ, दरवाजे में रैपिंग करी हुई है हमने। बाकी ये बिल्कुल हमारा टॉप मॉडल वाला, ऊपर वाइट और नीचे ब्लैक, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल टॉप मॉडल वाला फील दे रखा है। और बाकी इसमें कुशनिंग भी करी हुई है। तो सोनू भाई ये भी हो जाता है, ये सब होता है आपके सामने में। ओके, बाकी ये भी हो जाता है, ये एडिशनल चीज़ आती है भैया? हाँ। ओके, ये एडिशनल में आ जाती है। बाकी ये सॉफ्ट टच है, ये अपना आर्म रेस्ट है, ये भी सॉफ्ट टच में करा हुआ है, इधर भी देख सकते हो सॉफ्ट टच है, ये पूरा लेदर राइट वर्क में होता है। हाँ, सॉफ्ट टच, ये भी सॉफ्ट टच करा हुआ है।
बाकी इसके ये पैनल्स भी सिल्वर हो सकते हैं एसी वेंट वाले। हाँ, हो सकते हैं, हो सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है, अगर करवाना है तो करवा सकते हैं। इधर लेदर टच हुआ देख सकते हो, ये पूरा देख सकते हैं आप, लेदर हाइट वर्क हो रखा है, बाकी स्टिचिंग देख सकते हैं आप। तो ये अपना पूरा पैनल होता है फ्रंट का। ओके, सामने टॉप वाला हुआ, बाकी ये भी पियानो का रखा है। और इसमें मेन है माउंटेड कंट्रोल इंस्टॉल करे हुए हैं, पियानो ये भी मिल जाएगा अगर किसी को करवाना है। बाकी एसी वेंट के यहाँ पे भी ये भी करा हुआ हमने पियानो, जो अपना नॉर्मल मैट आता था, नॉर्मल मैट आता था। और मेन जो चीज हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी है वो है अपना ऑटो हेडलाइट, ऑटो हेडलाइट के बटन इधर है, ऑटो हेडलाइट ये रहा अपना। अभी हेडलाइट जल रहा होगा सामने, अभी हेडलाइट जल रही है। अब बोलोगे हेडलाइट बंद कैसे होगा। ओके ओके, इसकी वर्किंग दिखाते हैं सबसे पहले। क्या ये देखो जी, यहां से तो जल ये पूरी ऑफ है यहां से। ओके, और सामने आप देखो उधर जल रहा है, सामने अभी आपको जलता हुआ दिखेगा। और ये बंद कैसे होगा ये देखो, जैसे कि दिन में डे टाइम में आपका ऐसे हो जाएगा, लाइट यहाँ पे आ गया, अगर विंडस्क्रीन में लाइट पड़ती है। अभी बंद हो जाएगा, 30 सेकंड समथिंग लाइट आना चाहिए। देख सकते हैं आप, बंद हो गया है फ्रंट में, बंद हो गया। अब देखो कैसे जलेगा, जैसे मैंने यहाँ से हटाया, जैसे हमने लाइट हटाई देख सकते हैं आप ऑटोमेटिकली जल गया, कोई हमने स्विच यूज नहीं करा वहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे जैसे लाइट दिया देख सकते हो आप, फिर 30 सेकंड में देख लेना। तो मतलब 30 सेकंड का इंटरवल लेता है ये, उसके बाद ही ऑफ होता है, जैसे ऑफ हो चुका है अभी। अब देखो जैसे मैंने हटा दिया, और जैसे ही हटाया तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है नाइट का व्यू, और अपने आप हेडलाइट्स जल जाती है। तो ओके, तो ये एमएक्स में भी लग जाएगा भैया। एमएक्स में मतलब सारी गाड़ी में कंपैटिबल है ऑटो हेडलाइट। ओके, तो बाकी माउंटेड कंट्रोल्स में तो राइट साइड वाला क्रूज तो चलेगा नहीं अभी, नहीं अभी नहीं चलेगा। ओके, तो यही काम करा था आज हमने, तो यही काम हमने एक्सयूवी में करा था। और बाकी इसके सीट कवर्स जो हम दिखाते हुए आ रहे हैं हमेशा अपने जो लग्जरी लाइन वाले हैं, ये मैट जीएफएक्स के मैट भी डले हैं, जीएफएक्स के मैट्स डले हैं, तो ये काफी प्रीमियम है। तो ये मतलब ये टॉप मोस्ट क्वालिटी है बिल्कुल। ओके, बाकी सीट कवर की क्वालिटी देख सकते हैं आप, ये सीट कवर की क्वालिटी है। बाकी आर्म रेस्ट में भी सेम कलर हो सकता है अगर करवाना चाहे, पर टॉप मॉडल की तरह नहीं की। ओके, टॉप मॉडल तो टॉप मॉडल में इसी कलर का होता है, बट इनको चाहिए था ब्लैक वाले कलर। ओके, तो हमने बीच का ये पोर्शन पूरा ब्लैक में ही रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना रहे। बाकी यही सब काम था अपने एक्सयूवी में। तो अभी हम थोड़े प्रोडक्ट्स दिखाने वाले हैं आपको, हमारे साथ है दिलीप भैया। तो दिलीप भाई क्या हाल चाल? बस बढ़िया भाई, क्या दिखाने वाले हो आज? मैं दिखाने जा रहा हूँ जैसे कि जैसे आपकी एमएक्स मॉडल है, एक्सयूवी 700 की बात कर रहा हूँ, एमएक्स मॉडल है। ओके, जिसमें एमएक्स में अभी तक मेरे ख्याल से क्रोल वगैरह में कहीं भी आपको फॉगलाइट मेरे ख्याल से अभी तक किसी भी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिला होगा। ओके, और मैं अभी तक कम से कम 100 से 125 गाड़ी तक लगा चुका हूँ, और वो भी एक महिंद्रा की ओरिजिनल। तो हमने वीडियोस में भी दिखाया था एमएक्स वाली, अब देखो आपके सामने सारे अनबॉक्सिंग करके, ये देख सकते हैं सारे महिंद्रा प्रोडक्ट रहने वाले हैं, महिंद्रा जेन्युइन है। और साथ में देखो ऊपर अच्छा देखो महिंद्रा यहाँ पे भी लिखा होगा, और महिंद्रा जेन्युइन है विद एलईडी, जो एक लग्जरी में जो आता है ना। Okay, ना कि इसमें नॉर्मल जो आता है जो बल्ब पीछे से लगा दिया जाता है वाला पार्ट नहीं है। Okay, जो टॉप मॉडल में आता है जो इसके अंदर जो इनबिल्ट एलईडी होता है, एलईडी होती है जो कि अपना ये जो टॉप मॉडल की हेडलाइट हो या X5 की है जो भी उसकी मैचिंग के हिसाब से। Okay, उसके हिसाब से होगी आपकी ये विद एलईडी वाली। ओके, तो ये भी अवेलेबल है, मोस्टली हमने बहुत कार्स में लगा के भी दिखा दिया, कॉमन चीज है ये। ऐसे तो गिनती नहीं कर सकते, पता नहीं कितने गाड़ी में तक लगा चुके हैं। ओके, जो मिलेगी वो सिर्फ जय ऑटो में मिलेगा। देखो एक साइड मिरर, मुश्किल है वायरिंग इसका भी तक आया नहीं है। बाकी अगर भाई गुजर आगे अलग की बात है, तो एक रफ आइडिया दे कॉस्टिंग का भी, क्या कॉस्टिंग बात करे तो देखो अपना एक X5 है आपकी, MX है, तो इसमें टोटल आपको 15,000 रुपए खर्चा आता है मिरर में, जिसमें साइड मिरर भी होता है, दोनों मिरर पूरी चेंज होगा। ओके, आपके उतरा हुआ मिरर आप खुद ले जाओगे, और हमारे नहीं काम का ना आपके किसी काम का, उतरा हुआ आपके रहेगा, वो गाड़ी में डाल दिया जाता है, और ये पूरी मिरर चेंज किया जाता है। ओके, दोनों मिरर चेंज किया जाता है, साथ में उसकी स्विच महिंद्रा जनरल स्विच, साथ में उसकी एक वायरिंग रिले जो कि प्रॉपर कपड़ा टू कपड़ा के लिए होता है, जो कोई वायरिंग कटिंग नहीं होता है। ओके, तो 15,000 का टोटल 15,000 खर्चा आता है, और इसमें अगर कैमरे वाली पार्ट ले तो ये X7 लग्जरी में आता है,
वो आपका वर्क नहीं करेगा, बट एक डमी तौर पे लुक वाइज के लिए रहेगा, वो आपका 18,500 खर्चा है। ओके, दोनों का हमने रेट भी बता दिया। बाकी अगर फॉग लैंप का रफ आइडिया लें क्या कॉस्टिंग आ जाती है? फॉग लैंप का खर्चा आपको आएगा 8,500 रुपए की, महिंद्रा जर्मन की बात कर रहा हूँ। ओके, और इसमें आफ्टर मार्केट भी है मेरे पास, 4,500 रुपए की। ओके, 4,500। मैं तो मना ही करूंगा आपको आफ्टर मार्केट लेके, बाकी उसमें बल्ब लग जाता है। बल्ब लग जाता है। ओके, ये इनबिल्ट व्हाइट लाइट के साथ आती है, ये लग्जरी वाली है। ओके, तो और क्या दिखाने वाले हो? और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखो स्टीयरिंग कंट्रोल जो एक लेफ्ट साइड की जो आता है, एक साइड में वो मैट ब्लैक आता है, वर्क तो करता है बट वो पार्ट होता है जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है पूरा। हाँ, जो किसी भाई का डिमांड होता है क्रूज वाला पार्ट लगवाना हो तो राइट साइड का पार्ट वाला लगवा तो लेते हैं, बट लेफ्ट साइड वाला जो आता है मैट होता है, लेफ्ट का मैट राइट का अपना एक क्लोसी हो जाता है, फिर कलर कॉम्बिनेशन आउट हो जाता है, तो उनके हिसाब से देखो लेफ्ट वाला ही पार्ट है और राइट वाला ही पार्ट है। बट राइट वाला जो पार्ट है क्रूज वाला पार्ट, वो आपको वर्किंग नहीं होगा, सिर्फ क्रूज पार्ट और एक MID होता है, MID अब चालू होने लगा है। ओके, तो इसके बाद की जो आप वीडियो देखने वाले हो वो है MID वर्क करता हुआ। मैं आपको दिखा देता हूं MID के, जो कि मैं गाड़ी में काम किया हूं, देखो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो हम पहले ये स्विच दिखा देते हैं आपको, जो अपना स्विच रहने वाला है, इसमें सिर्फ अपना क्रूज वाला बटन अभी चला नहीं है, बाकी इसमें MID वाला स्विच सब चल रहा है, काम कर रहा है। तो हम इस नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। आप उस दिन आ नहीं पाए थे, देखो देखो वर्क कर रहा है, देखो ये देख सकते हैं, देखो MID बटन प्रॉपर वर्क कर रहा है इसके अंदर। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, और नेक्स्ट वीडियो में काफी अच्छी चीज दिखने वाली है इस बार आपको, जो हमने XUV 700 में करी है। और XUV 700 की बात कर रहा हूँ, आपके MX मॉडल है, X5 मॉडल है, आपको आप वीडियो देखने को मिल जाएगा वैनम भाई के चैनल पे, आपको हर लेवल की मॉडिफिकेशन हमारे यहाँ पे हो रहा है। ओके, जो आपकी बजट है 1,00,000 1,50,000 जैसे आप बोलोगे उस लेवल तक की मॉडिफिकेशन हो जाएगा। मोस्टली हम कोशिश कर रहे हैं हर वीडियो में कुछ अपग्रेड करते रहे, सारे पार्ट अपने पास, महिंद्रा जर्मन ले लो, आफ्टर मार्केट है। ओके, दोनों ऑप्शन है, बजट आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या लगवाना आपकी डिपेंड करता है, हमारे पास सारा स्टॉक है। एक मैट की रेटिंग कितने से स्टार्ट हो जाती है? एक मैट जो होता है देखो, ऐसे तो नॉर्मली मैट 500-700 रुपए से स्टार्टिंग हो जाता है, बट 100-700 के लिए वो नॉर्मल मैट डालने कोई फायदा नहीं, 70 की मैट से स्टार्टिंग लेके चलो 100-700 के लिए, जो 2,000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाता है। और जाता कितने तक है टॉप मोस्ट क्वालिटी? 10,500 रुपए तक का। ओके, तो ये क्वालिटी है, आप रिकमेंड कौन सा वाला मैट करते हो सबसे? मैं तो देखो भैया बजट है तो थोड़ा अच्छे होकर बोलूँ महिंद्रा जर्मन, बाकी नॉर्मल बजट तो अपना 4,500 वाला वो भी बेस्ट रहेगा बिल्कुल। ओके, बाकी जो सीट वर्क की बात बता रहा हूँ मैं आपको, आपकी 5-सीटर गाड़ी है तो आपको हमारे यहाँ पे 8,000 से लेकर 14,000 रुपए तक का। okay. और आपकी 7-सीटर है तो आपको 11,000 से लेकर 18,000 रुपए तक हमारे पास रेंज है। ओके, बट जो अभी तक आपने ज्यादातर वीडियो में देखे होंगे सिंगल कलर वाली सीट कवर, जो कि लग्जरी में जो आता है मोस्टली, आजकल हम हर वीडियो में लगा रहे हैं लग्जरी लाइन वाला अपना जो सीट कवर लग चुका है, बट आप छोटे छोटे मतलब नॉर्मली ये सीट कवर फ्लोरिंग था, इस वजह से उसके वीडियो में लग नहीं था, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं। ओके, तो बाकी सारा अपने पास जेन्युइन महिंद्रा के प्रोडक्ट सारे रखे हुए हैं, पूरा अंदर महिंद्रा दिखेगा आपको, ये भी बॉक्स है, बाकी हेडलाइट वगैरह भी आ गई है, सब कुछ आ चुका है। हेडलाइट भी हम मोस्टली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो तक कोशिश करेंगे हेडलाइट लगा के दिखाने में। तो वीडियो हम आज यही एंड करते हैं, आज हमारे साथ सोनू भाई नहीं है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे आपको इसी चैनल पे बहुत से महिंद्रा का वीडियो देखने को मिलेगा, 700 में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं, बेसिकली बेस मॉडल से टॉप मॉडल वाले कन्वर्जन हम बहुत करने वाले हैं इन फ्यूचर। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।